हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, आप आज फिर स्टीरियो केमिस्ट्री ही स्टडी करांगे। अपनी जिहड़ी लास्ट वीडियो सी उहदे विच आपां अनेंशियोमर्स ते डायस्टेरियोमर्स की स्टडी कर ली सी। अनेंशियोमर्स की है ते डायस्टेरियोमर्स की हुंदे आ। अज आपां जिहड़ा देखांगे मीसो कंपाउंड्स एंड रेसेमिक मिक्सचर के बारे स्टडी करांगे। तो फस्ट अपना टॉपिक आता है मीसो कंपाउंड्स। हाँ जी, तो मीसो कंपाउंड्स अपने की होंगे अजय, जे आप डेफिनेशन देखिए तो मीसो कंपाउंड इज़ अ मोलीक्यूल विद मल्टीपल स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर केड़ा होगा अजय? जो कायरल सेंटर हैगा अपना, ठीक है, जिदे नाल फोर डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। मल्टीपल स्टीरियो सिस्टम मतलब एक तो ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होंगे जे अपने मोलीक्यूल दे विच, तो फिर आप कह सकते हैं कि वह मीसो कंपाउंड भी हो सकता है तो एनेंशियोमर भी हो सकता है। तो ये मीसो कंपाउंड इज़ अ मोलीक्यूल विद मल्टीपल स्टीरियो सेंटर्स दैट इज़ सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मतलब कि एक ही मोलीक्यूल के दो पार्ट्स एक दूजे दी मिरर इमेज बन जाए, जिन्हें बच्चे की हो सेंटर ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री जोड़ा है वो प्रेजेंट हो जाए। अगे आप देखते हैं राजे, मीसो कंपाउंड्स की होंगे? अकायरल कंपाउंड्स होंगे। अकायरल कंपाउंड दैट हैज़ मल्टीपल कायरल सेंटर्स, जिदे एक तो ज़्यादा कायरल सेंटर होंगे। आप जो एग्जाम्पल करा तो उतों चंगी तरह आपको पता लगेगा। ये आप इन्होंने पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। मीसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि इन्हों इंटरनल सिमिट्री प्लेन प्रेजेंट हों जो आप दो हाफ्स के डिवाइड करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देखते रहिए, अपन एग्जाम्पल तो इन्हों का क्लीयरली पता लग जूगा। फस्ट एग्जाम्पल देखो अपने को इतने सेंटर ना अपना कार्बन है, ठीक है। कार्बन के नाल फोर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए है, एक हाइड्रोजन, एक ओ एच ग्रुप, एक सी एल ग्रुप, के नीचे अपना जोड़ा है कार्बन, उस कार्बन एच सी एल एंड ओ एच लग्या हुआ है। चार डिफरेंट ग्रुप, इट मीनस कि जोड़ा अपना कार्बन नंबर वन हैगा यह कायरल कार्बन हैगा अपना, ठीक है, कायरल कार्बन हैगा। इस आप कार्बन नंबर टू की गल करिए कार्बन नंबर टू के नाल भी सेम ही ग्रुप लगे आ, हाइड्रोजन सी एल ओ एच एंड उपर वाला कार्बन, तो वो दूसरे ग्रुप आ गए। जे आप कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर टू आपस के कंपेयर करके देखते हैं तो दोवे सेम ग्रुप लगे आ। इन्हें विचली जे आप मिरर प्लेन अपना सिमिट्रिकल प्लेन देखिए, जो आप प्लेन पास किया तो रजे एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज बन गया है, ठीक है। तो एक जे लाइट नू राइट हैंड साइड रोटेट करवा रहा है तो दूसरा उन्हों उन्ना ही लेफ्ट हैंड साइड भी रोटेट करवा रहा है। देखो आ आर कॉन्फिगरेशन है, एस कॉन्फिगरेशन है। एक जे इनू राइट हैंड साइड रोटेट करूगा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करूगा। तो मोलीक्यूल के अंदर ही इंटरनल प्लेन प्रेजेंट होन करके, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होन करके ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देता है। जो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़िया सीगा तो उहदे विच आपां मेन ये चीज़ देखी सी कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव उदों होगा जो उहदे विच एलीमेंट ऑफ सिमिट्री एबसेंट होंगे। एलीमेंट ऑफ सिमिट्री अपने कोल कहड़े कहड़े सी? प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री एंड सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है। जे इन्हां चों कोई भी एलीमेंट ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट हैगा तो अपना जिहड़ा कंपाउंड है वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। हुण जदों आपां मीसो कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैगे आ तो मीसो कंपाउंड दे विच प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट हैगा, इस करके आपां नूं कहा हैगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हुंदे हैगे, ठीक है। एक दूसरे के मिरर इमेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपां जे इहदी मिरर इमेज जिहड़ी बनावांगे भी तो उहदे विच भी इंटरनल प्लेन जिहड़ा हैगा वह प्रेजेंट हैगा, तो उहदे करके वह कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाऊगा। नैक्सट अपने कोल आउंदा हैगा राजे कायरल सेंटर्स की, आप गल की सी। देखो पॉइंट अपने को जो हमने देखा कि कार्बन के नाल एक ओ एच ग्रुप है, एक हाइड्रोजन लग्या हुआ है, एक उपर वाला जोड़ा अपना सीगा कार्बन जिदे दो ऑक्सीजन तो एक हाइड्रोजन की कंपाउंड है। इनू आप इस तरह ना लिख सकते हैं कार्बन के नाल की लग्या है सी ओ ओ एच ग्रुप, ठीक है। इधर अपना ओ एच ग्रुप, इधर अपना एच, ये किहड़ा कंपाउंड है? ओ एच एच सी ओ ओ एच, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है राजे। तो अपने टार्ट्रिक एसिड अपना एग्जाम्पल आप इतने लैके चल रहे हैं तो टार्ट्रिक एसिड के फिर अपना को आता है कि टार्ट्रिक एसिड के जो प्लेन ऑफ सिमिट्री है वह प्रेजेंट है जिदे करके
मीजो कंपाउंड हैगा अपना ते ऑप्टिकली इनएक्टिव हैगा। इस तरह नाल जे आप वाला एग्जाम्पल लैके चलते हैं भी इस कार्बन के नाल फोर अलग ग्रुप तो यह भी कायरल कार्बन नीचे वाला भी अपना कायरल कार्बन दोनों कायरल कार्बन है ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए सी कंपाउंड बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज हैगी है ठीक है तो इस करके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यही आप थ्यूरी के दे देखो तो राजे की होता है अमीजो कंपाउंड शुड कंटेन टू और मोर आइडेंटिकल सबस्टिट्यूटेड स्टीरियो सेंटर्स ठीक है। ऑल्सो इट हैज़ एन इंटरनल सिमेट्री प्लेन दैट डिवाइड्स द कंपाउंड इन हाफ दीज टू हाफ्स रिफ्लैक्ट ईच अदर बाय इंटरनल मिरर द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टीरियो सेंटर्स शुड कैंसल आउट। यही चीज़ मैं तुहानू दस्सिया ना कि एक हाफ जिहड़ा हैगा वह दूसरे हाफ की मिरर इमेज हुंदा हैगा एक जे कार्बन आर कॉन्फिगरेशन शो करता तो दूसरा एस करता एक लाइट नू राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा दूसरा लैफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा तो एक दूसरे के इफेक्ट नू की करते वो कैंसल आउट कर देंगे है जो एक दूसरे के इफेक्ट नू कैंसल आउट करता रहे तो वट इट मीनस हेयर इज़ दैट वैन वी हैव एन इंटरनल प्लेन दैट स्प्लिट द कंपाउंड इंटू टू सिमेट्रिकल साइड्स दो सिमेट्रिकल साइड्स बन गई अपनी द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ बोथ लैफ्ट एंड राइट साइड शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर तो रिजल्ट अपने को आ गया जोड़ा अपना कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो मीजो कंपाउंड्स की हो गए जिन्हां दे विच प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा जिदे करके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हो जाएंगे जदों कि उन्हां दे विच कायरल सेंटर प्रेजेंट है मल्टीपल कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बाद भी वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे है अपने कंपाउंड। नैक्सट अपने को आ जाता है राजे रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर की हुंदा रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुंदा बट वह डिफरेंट हुंदा मीजो कंपाउंड्स के नालों तो देखो वह किवें डिफरेंट हुंदा रेसिमिक मिक्सचर की नाम तो ही पता चल रहा कि यह मिक्सचर है मतलब आप दो चीज़ों मिक्स करके बनाया है मिक्स आप किनू किया है अ मिक्सचर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियमर दो एनेंशियमर है अपने को प्लस एनेंशियमर तो माइनस एनेंशियमर उन्होंने जो आप इक्वल अमाउंट लैके उन्होंने मिक्स कर दें तो उस मिक्सचर को आप बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर या फिर रेसेमिक मॉडिफिकेशन ठीक है। जोड़ा रेसेमिक मिक्सचर है ज रेसेमेट हैगा अपना इज़ वन दैट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ लैफ्ट एंड राइट हैंडड एनेंशियमरस ठीक है लैफ्ट तो राइट हैंडड एनेंशियमरस से इक्वल अमाउंट लेने हैं आप जो कि कायरल मोलीक्यूल होगा अपना ठीक है। जोड़ा रेसेमिक मिक्सचर वाज रेसेमिक एसिड ठीक है रेसेमिक एसिड तो सब तो पहला किता उसका नाम रेसेमिक मिक्सचर पै गया अपना ठीक है। उस तो बाद आपां मिक्सचर केड़ा लिया सी आपां टार्ट्रिक एसिड के दो एनेंशियमर्स लिए थे तो उन्होंने मिक्सअप किया सीगा। रेसेमिक मिक्सचर नूं आपां किवें डिनोट करते हैं जां तां राजे उहदे मूहरे आपां प्लस माइनस दोनों साइन लगावांगे जां फिर आपां उहदे मूहरे डी एल लिखांगे जे अपना एनेंशियमर हुंदा तां जां आपां प्लस साइन यूज़ करते हैं या माइनस यूज़ करते हैं जां फिर स्मॉल डी ते स्मॉल एल यूज़ करते हैं। जदों आपां रेसेमिक मिक्सचर नूं एक्सप्लेन करते हैं तां उहदे मूहरे आपां प्लस माइनस दोनों साइन इकट्ठे लिखांगे कि हाफ अमाउंट एक दी है हाफ अमाउंट दूसरे दी है जां फिर आपां डी ते एल नालों नूं डिनोट करांगे ठीक है। की इंडीकेट करता है इंडीकेटिंग एन इक्वल मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रो एंड ब्लियो आइसोमर्स। ऑलसो द प्रीफिक्स सिंबल्स केड़े यूज़ करांगे आपां आर एस या एस आर आप इहदे विच यूज़ करते हैं। हाँ देखो राजे टार्ट्रिक एसिड का आप जो एग्जाम्पल लैके चलीए तो टार्ट्रिक एसिड वाले दे विच की होगा अपने कोल आपने हुणे लिया सी ना कि इहदे विच देखो मिरर इमेज बनता है टार्ट्रिक एसिड बनती है ना तो यह तो मीजो कंपाउंड हो गया अपना ठीक है। हुण आपां आ वाले दो लैके चल रहे हैं एह्दे विच जे असीं इंटरनली प्लेन कढोंगे तो मिरर इमेज हैगा नहीं गा इहदा ओह एच एस साइड है इहदा ओह एच एस साइड है तो इट मीनस कि यह मीजो कंपाउंड नहीं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इहदी आपां मिरर इमेज बना ली आह वाली इहदी मिरर इमेज बन गई ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियमर हैगे इन्हां दोवां नूं इक्वल अमाउंट दे विच जे आपां मिक्स कर देंगे तो अपने कोल की बन जूगा रेसेमिक मिक्सचर। ओके राजे अपना टॉपिक जिहड़ा हैगा कंप्लीट हो गया आपां दो अपनी वीडियोज़ के जिहड़े चार टॉपिक स्टडी किए हैं एनेंशियमरस डायस्टीरियोमरस एंड मीजो कंपाउंड्स एंड रेसेमिक मिक्सचर।